आप सब? उम्मीद करते हैं आप पूरी तरह से हेल्दी और फिट होंगे। अगर आपके बाल फ्रीजी, वेवी और थोड़े से घुंघराले हैं, तो आपके लिए हेयर स्मूथनिंग बेस्ट हो सकती है। स्मूथनिंग से आपके बाल स्ट्रेट और शाइनी हो जाएंगे। यही कारण है कि आजकल महिलाओं के बीच हेयर स्मूथनिंग का क्रेज बढ़ गया है। लेकिन अब आप सोच रही होंगी कि इसके लिए तो आपको पार्लर जाना पड़ेगा और हजारों रुपए भी खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आप खुद अपने घर बैठकर ही कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करके अपने बाल स्मूथ कर सकती हैं। तो आइए बताते हैं आपको क्या है इसका प्रोसेस और इसके इजी स्टेप्स। बाल धोएं, तो दोस्तों पहला स्टेप है बाल धोना। स्मूथनिंग करने के लिए सबसे पहले अपने बालों को माइल्ड फॉर्मूला वाले शैम्पू से धो लें, यानी एक ऐसा शैम्पू जिसमें केमिकल की मात्रा कम हो। अगर आपके बाल ज्यादा डैमेज है तो आप ओट मिल्क और शहद से बने शैम्पू का इस्तेमाल कर सकती हैं। इन दोनों चीजों में ऐसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो डैमेज बालों को सही करने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करते हैं। स्टेप टू है बालों को सुखाना। दोस्तों बालों को शैम्पू से धोने के बाद अगला स्टेप इन्हें सुखाना है। आपको बालों को सुखाने के लिए ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बालों में मौजूद मॉइस्चर के ट्रेसेस नजर नहीं आएंगे। बालों को सुखाने के लिए इन्हें चार सेक्शन में डिवाइड कर दें, फिर एक एक सेक्शन को ब्लो ड्रायर से सुखा लें। ऐसा करने से आपके बाल पूरी तरह से सूख जाएंगे। स्टेप थ्री, बालों में लगाएं स्मूथनिंग क्रीम। हेयर स्मूथनिंग के लिए तीसरा स्टेप है बालों में स्मूथनिंग क्रीम लगाना। आप चाहे तो मार्केट से भी ये क्रीम खरीद सकती हैं, या फिर घर पर भी बना सकती हैं। बालों में स्मूथनिंग क्रीम लगाने के लिए आपको मास्किंग ब्रश चाहिए। मास्किंग ब्रश की मदद से अपने बालों में स्मूथनिंग क्रीम लगाएं। अब जब आप अपने बालों में स्मूथनिंग क्रीम लगा लेती हैं, तो चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल कर इसे अपने हर एक बालों में लगाएं। क्रीम को अपने बालों में करीब 25 से 30 मिनट तक लगा रहने दें। दोस्तों स्मूथनिंग क्रीम एक जगह पर न जमे इसके लिए आप 10 मिनट बाद बालों में कंघी कर सकती हैं। स्टेप फोर, प्रेसिंग करें। अब जब क्रीम पूरी तरह से सूख जाए तब बालों को धोए बिना ड्रायर करें। बालों में ड्रायर का इस्तेमाल करने के बाद अपने बालों को प्रेस कर लें। लीजिए, हो गई आपकी हेयर स्मूथनिंग। हालांकि स्मूथनिंग के 3 दिन बाद ही आपको अपना सिर धोना चाहिए और फिर दोबारा बालों को सुखा लें। बालों को धोने के बाद सेरम लगाएं, इसके बाद दोबारा बालों को प्रेस करें। स्मूथनिंग के बाद ये सावधानियां बरतनी चाहिए। घर पर स्मूथनिंग करने के बाद अपने बालों को 3 दिन तक पिन, टक या बांधे नहीं। स्मूथनिंग करने के बाद आपको अपने बालों पर अच्छे हेयर केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि आपके बालों को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे, तो इसके लिए आपको घर पर स्मूथनिंग करते वक्त कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। आपको कभी भी गीले बालों पर प्रेसिंग नहीं करनी चाहिए। हीट सेटिंग्स का खास ध्यान रखिए। आपको ऐसी प्रेसिंग मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें एडजस्टेबल टेम्परेचर हो, क्योंकि ज्यादा गर्मी आपके बालों को डैमेज कर सकती है। आपके बालों को ब्लो ड्रायर करने का सही तरीका आना चाहिए, अन्यथा आपके बाल स्मूथनिंग के लिए खराब हो सकते हैं। बालों में स्मूथनिंग क्रीम लगाने से पहले अपने बालों को अच्छी तरह से सुलझा लें, क्योंकि उलझे बालों में स्मूथनिंग नहीं होती है। अगर आप चाहती हैं कि एकदम परफेक्ट स्मूथनिंग हो और आपके बाल भी कम डैमेज हो, तो आपको हीट प्रोटेक्टेड एजेंट का उपयोग करना चाहिए। बालों के लिए एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें। बालों को धोने से पहले हेयर मास्क जरूर लगाएं। कोशिश करें कि बाल खुले ही रखें। बालों में सेरम लगाना ना भूलें। तो दोस्तों ऐसे ही रोचक जानकारियां हासिल करने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।